भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ रियल क्रिकेट 20 T20 और ओडीआई मैच की बॉलिंग ट्रिक हार्ड कोर मोड के अंदर। और ये जो ट्रिक है सिर्फ फास्ट बॉलर्स के लिए है। और मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि पावर प्ले में कैसे विकेट्स लेने हैं और पावर प्ले के बाद कैसे विकेट्स निकालने हैं एकदम परफेक्ट फील्ड प्लान और लाइन और लेंथ के साथ। तो आप लोग इस वीडियो को पहले पूरा देखना, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना, नहीं तो आप लोग उसके जिम्मेदार हो गए अगर आप लोग को विकेट्स ना मिले तो। तो गाइस, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए ऐसे वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ कि पावर प्ले में कैसे फील्ड प्लान लगा के आपको विकेट्स निकालने हैं। तो आपके स्क्रीन के सामने जैसे यहाँ पर फील्ड प्लान दिख रहा है, आपको सेम टू सेम यही फील्ड प्लान के साथ पावर प्ले में बॉलिंग करनी है फास्ट बॉलर के साथ। तो गाइज, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, और मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कैसे बॉलिंग करनी है आपको बैट्समैन को। तो अगर आपके सामने राइट हैंड बैट्समैन है तो आपको अंपायर के लेफ्ट हैंड साइड से बॉल करनी है, अगर आपके सामने लेफ्ट हैंड बैट्समैन है तो आपको अंपायर के राइट हैंड साइड से बॉल करनी है। तो गाइज, मैं आप लोग अभी बताने जा रहा हूँ इस ट्रिक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि बॉल की लाइन और लेंथ। तो आपको बॉल की लाइन और लेंथ देख लो कैसे रखना है। तो आपको बॉल को लेंथ को रखना है फुल लेंथ या गुड लेंथ, और बॉल की लाइन को रखना है ऑफ स्टंप से हल्का सा टच, जैसे कि मैंने यहाँ पर रखा है। और गाइज, मैं अभी आप लोग को बताया था कि पावर प्ले में कैसे वेरिएशन के साथ बॉलिंग करनी है। तो आपको पावर प्ले में आउट स्विंग और इन स्विंग ज़्यादा से ज़्यादा करा के बॉलिंग करनी है, और आप लोग का जो बॉल का स्पीड मीटर है उसको ग्रीन लाइन के अंदर रखना जरूरी है, तभी आपको विकेट्स मिलेंगे। और बॉल को फुल स्विंग के साथ कराना भी आपको जरूरी है, तभी आपको विकेट्स मिलेंगे। तो इसलिए गाइज, आप लोग बॉल का जो स्पीड मीटर है उसे ग्रीन बार के अंदर रख के बॉलिंग करना, जिससे कि आप लोग को विकेट्स लेने के चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और जो जो पॉइंट्स को मैंने बताया आप लोग अभी इस वीडियो में, उन सभी पॉइंट्स को भी फॉलो करना, जिससे कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी विकेट्स मिलें। तो अभी मैं आप लोगों को पावर प्ले के बाद कैसे विकेट्स लेना है और कौन से फील्ड प्लान के साथ बॉलिंग करना है वो बताऊंगा। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अभी तक यहाँ तक थोड़ा सा ही पसंद आया तो सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए। तो चलो मैं आप लोग को अभी बताने जा रहा हूँ कि पावर प्ले के बाद कैसे फील्ड प्लान रखना है और कैसे विकेट्स निकालने हैं फास्ट बॉलर्स के साथ। तो चलिए मैं आप लोग को सबसे पहले फील्ड प्लान दिखाता हूँ पावर प्ले के बाद कैसे रखना है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर जैसे फील्ड प्लान दिख रहा है, आपको सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। तो गाइज, अभी मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि पावर प्ले के बाद कैसे बॉलिंग करनी है। तो गाइज, ये जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा रिस्की है, इसमें आपको 4-6 भी जा सकते हैं लेकिन आपको विकेट्स मिलने के भी चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। इसलिए अभी मैं जो पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ उसे आप अच्छे से ज़रूर देखना और समझना। तो देख लो गाइज, अगर आपके सामने लेफ्ट हैंड बैट्समैन है तो आपको राइट साइड से बॉल करना है, और बॉल की लेंथ को रखना है यॉर्कर लेंथ, और बॉल की लाइन देख लो मैंने यहाँ पर रखा है मिडिल स्टम्प और ऑफ स्टम्प, और बॉल को एकदम यॉर्कर लेंथ रखा है बैट्समैन के पैर के नीचे। तो आपको भी इसी प्रकार से बॉलिंग करना है जिससे कि आपको विकेट्स मिलेंगे। लेकिन अभी मैं आप लोग को एक और पॉइंट बताने जा रहा हूँ, जो कि बॉल में वेरिएशन कैसे करना है। तो गाइस, आपको 6 की 6 गेंदे एक जैसे नहीं करनी है, आपको बॉल में वेरिएशन करते रहना है। कभी इन स्विंग, आउट स्विंग, स्लोअर बॉल और रिवर्स स्विंग का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है, और आपको बॉल को हमेशा ग्रीन बार के अंदर परफेक्ट बॉल करा के रखना है। अगर आप परफेक्ट गेंद नहीं रखोगे तो आपको 6 या 4 जा सकते हैं, इसलिए आप बॉल को परफेक्ट करके ही बॉलिंग करना, और बॉल में हमेशा वेरिएशन करना। अगर आप एक ही प्रकार से बॉलिंग करते रहोगे तो हो सकता है बैट्समैन उन गेंदों पे चौके छक्के आराम से जड़ दे, इसलिए आपको बॉल में वेरिएशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और बॉल को ग्रीन लाइन पे रख के बॉलिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप इन सभी बातों का ध्यान में रख के ही बॉलिंग करना पावर प्ले के बाद, और पावर प्ले में मैंने जो बताया जैसे आपको बॉलिंग करना है उन सभी बातों का भी आप लोग ख्याल करके बॉलिंग करना, और आप लोग को विकेट्स आसानी से और जल्दी मिलते जाएंगे अगर आप सही पॉइंट्स को फॉलो करोगे सही तरीके से। तो गाइज, आप लोगों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले एक लाइक तो कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ याद से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। और आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक शेयर भी कर दीजिए, और आप लोग को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ उसको भी कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज़।